गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे मम्मी का एक कुकिंग शो की चैनल हो रहे हैं, वो है सुजाता'स किचन लव यू ऑल। मम्मी बहुत दिन से सोच रही थी कुछ करेंगे, लेकिन सब लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मेरे मम्मी डरती थी क्या होगा, मैं बना पाऊंगी कि नहीं। एक्चुअली मेरा मम्मी बहुत अच्छी खाना बनाती है, मैं बचपन से देख रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आज मम्मी सब करेंगे, लेकिन मम्मी का हिंदी इतने अच्छे नहीं है, तो मैं मम्मी की बिहाफ में आप सबको बताते रहूँगी कैसे कैसे आज खाना बनाएंगे। आज मम्मी खाने में बना रही है मसालादार पनीर पराठा। अगर आपको लगे कि ठीक है, ये अच्छा लगे, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मसालादार पनीर पराठा। मसालादार पनीर पराठा बनाने के लिए एक कटोरी मैदा की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ले लिया है मैदे को आटा बनाने के लिए, उसके साथ लगेंगे पनीर, लगेंगे धनिया पत्ता, लगेंगे ऑयल, लगेंगे अजवाइन, लगेंगे काला नमक, कश्मीरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा, सभी थोड़ा लगेंगे, आमचूर पाउडर लगेंगे थोड़ा थोड़ा सब करके, और जीरे पाउडर लगेंगे और नमक। तो एक प्लेट में हम लोग मैदा ले लिया है, अब हम स्वाद अनुसार करेंगे, नमक दे रहे थोड़ा, ऑयल दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा ऑयल देना पड़ेगा कि मैन हो ठीक से, आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस है। अभी मिलाकर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेकर उसको एक अच्छे से आटा तैयार करना है, नरम भी नहीं होना और हार्ड भी नहीं होना, एकदम मीडियम तरह से रहना है। पहले उसको एकदम मिक्स कर लेना है, उसके बाद अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके हम लोग मैदा को तैयार कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद 15 मिनट्स आप रख दीजिए। थोड़ा ऑयल दे दिया और 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। ऐसे करके छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए। बस 15 मिनट्स हो गया, अब इसको हम लोग बेलेंगे। दो दोनों पराठा बनाएंगे तो देखना। अब ऐसे हम लोग उसको पतले पतले से बेल लेते हैं। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मम्मी को, पहले बार कर रहे हैं ना, इतना अच्छा किचन में काम करती है, फिर भी कुक करती है, फिर भी उसको डर लग रहा है। प्लीज आप लोग अप्रिशिएट करना मेरे मम्मी को। ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके बेल लेंगे, देखिए प्रोसेस क्या है। अभी थोड़ा व्हाइट ऑयल, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी ऑयल को हम लोग ने यूज किया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल नहीं देने,
देना नहीं है। अभी जो मसाला है उसको हम एक एक करके देंगे। अभी दे रहे हैं मम्मी अजवाइन, थोड़ा अजवाइन दे रहे हैं। हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजवाइन के बाद देंगे काला नमक, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके देंगे। अभी देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, अभी दिया ब्लैक पेपर की पाउडर जो है वो थोड़ा, सब थोड़ा, आमचूर पाउडर, जीरा रोस्ट पाउडर, नमक थोड़ा। देखिए कैसे कैसे करते हैं। देखिए कैसे होता है। अभी हम गैस को ऑन कर दिए, पहले हाई में करेंगे थोड़ा, ऑयल दिया थोड़ा सा, फिर मीडियम में, एकदम लो में कर दिया। उधर हो रहे हैं गैस में ऑयल, अभी मम्मी बेल रही है। देखिए कैसे, जैसे सब लोग बेलते वैसे ही कीजिएगा, नॉर्मल जैसी। देखिए गोल करके बेल लिया। उसके बाद जो पनीर का क्यूब थे वो मम्मी ऊपर ऊपर दे रही है, थोड़ा थोड़ा स्मैश करके दे रही है। पनीर को दे दिया मैश करके, और देंगे धनिया। फिर बेल लेंगे, आप जितना बड़ा कर सके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होना चाहिए देखने में। फेल लिया ऑयल को, पराठा को ऊपर कर देंगे। पनीर और धनिया जो है ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तब मम्मी चेंज करेंगे। हो गया थोड़ा थोड़ा करके, देखिए कैसा आया है। पहले मम्मी कर रही है कुकिंग, अच्छा हो बुरा हो प्लीज बताना। सब हम लोग सब चैनल करते हैं खुद का, और जो लोग घर में रहते स्पेशली मम्मी लोग जो 365 डेज काम करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मम्मी के लिए ये चैनल बनाया।
देखिए हाई फ्लेम में कर दिया अभी, थोड़ा थोड़ा ऑयल देकर। चेंज कर दिया, इधर कर दे उधर कर दिया। अब देखिए एकदम लो फ्लेम में कर दिया आंच को। अभी एक हो गया, देखिए कैसे बना है। हम लोग थोड़ा ऑयल और दे सकते थे, लेकिन आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऑयल करके हम लोग ने ऐसा किया। और एक आप लोग को बनाकर दिखा रहे हैं, बेलना हो गई है। अभी थोड़ा थोड़ा करके जैसे पहले क्या वैसे ही करेंगे, वही स्टेप करेंगे। थोड़ा ऑयल दिया, अभी अजवाइन दे रहे हैं, काला नमक थोड़ा करके, कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरे पाउडर, जीरे रोस्ट पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद पनीर जो थे स्मैश करके उसके ऊपर दे दिया। और भी ज्यादा पनीर ले सकते, पहले कर रही हूं तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ने दिखाने के लिए किया बस। और धनिया पत्ते को हम दे देंगे, अगर अगर कोई धनिया पत्ते नहीं खाते तो स्किप कर देना। फिर उसके बाद थोड़ा सा बेलन से थोड़ा सा और फैल लेंगे उसको, फैला लेंगे उसको। फिर तेल हम लोग ने दे दिया है, फिर उसको फैला देंगे। देखिए हाई हीट में थोड़ा सा रहना है, थोड़ा सा पक जाए, क्रंची हो जाए, उसके बाद चेंज कर देना है। अभी ऑयल देंगे, ऑयल से सेकेंगे जैसे पहले क्या वैसे एकदम से। देखिए लो फ्लेम में कर दिया, हो गया। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया, बनाकर रेडी हो गया मसालेदार पनीर पराठा। कैसा लगा आप प्लीज बोलना, मेरे मम्मी का पहला स्टेप है
कुकिंग शो में, तो प्लीज आप लोग बोलना कैसे हो, अच्छा नहीं हो तो भी बोलना, ठीक है? थैंक यू, बाय, टेक केयर।